मुझसे वो बात करते हो, है ना? अकबरी से शादी तो तुमने नाना नानी और मामा जी के मजबूर करने पे की थी, है ना? हाय रब्बा। मूड खराब होने का मकसद ये है कि सारा गुस्सा मेरी प्यारी पोती पे निकाले, है? दादाजी, बीवी पे दिल हल्का नहीं करेंगे तो और किस पे करेंगे? और अच्छी बीवी का तो यही फर्ज है ना कि मुझे तो इस सबके पीछे किसी का हाथ लगता है, कोई बहुत गहरी साजिश। कोई तो है जो नहीं चाहता कि इस घर में अमन और सुकून रहे। शहर अब्बा जी, लेकिन उसमें तो पूरा दिन लग जाएगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, क्योंकि घर के किसी बंदे को तो तुम पूरा दिन दे नहीं सकते। हाँ, अगर पीरो मुर्शिद का काम हो तो वो अलग बात है। कैसी बात कर रहे हैं अब्बा जी? और तुमने मुझे सबके सामने हीरो बना दिया, बड़ी सबके सामने हीरो बना दिया, और सबके सामने मेरी शान बढ़ गई है। अब तो इस गिरते हुए बिजनेस को करोड़ दो करोड़ का सारा नाना मिला तो हम रोड पे आ जाएंगे। मम्मा, इन सारी बातों का मेरे और असगर से क्या ताल्लुक है भला? ताल्लुक है, और डीप ताल्लुक है। तू कान खोल के सुन ले, तुझे असगर को भूलना होगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी मम्मा। पहली 6-7 दफा ट्राई करने के बाद सच्ची मोहब्बत हुई है मुझे। और मैं तेरे दिल से असगर को निकाल के दम लूंगी। अगर आप मेरे और असगर के दरमियान आई ना, तो मैं भी आपका कच्चा चट्टा सबको बता दूंगी। ये जो आप तावीज लेके आती है ना, ये अपने हुसन के लिए तो नहीं लाती ना? मैं नाना जी को बताऊंगी, बेजी को, मामा मामी को, सबको बताऊंगी। मैं देखना। माय गॉड, मेरी टोटर रोके मुझे ब्लैकमेल कर रही है। और तुम काली बिल्ली बनके हर वक्त मेरा रास्ता क्यों काटती हो? हाय, मेरे तो सारे रास्ते तुम पे आके रुकते। एक काम करो, और यू टर्न लेके वापस मुड़ जाओ और मेरी जान बख्शो। वाला तुम भी भूल जा कि कभी तुम मुझसे दूर जा सकते हो। दूर? और मैं तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर जा चुका हूँ। शादी हो गई है मेरी। शादी? और इसे तुम शादी कहते हो? क्यों, और क्या कहते हैं इसे? सालगिरह या कीका? इतने कागे तो तुम भी नहीं हो कि तुम्हें शादी का मतलब ही ना पता हो, हैं? और इतनी काकी मैं भी नहीं हूँ कि तुम मुझे बहला सको। अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारे और अकबरी के दरमियान क्या चल रहा है। क्या चल रहा है, क्या जानती हो तुम? एमी तो नहीं ना तुम आधी आधी रात को सिगरेट पीते नजर आते, है ना? और एमी तो नहीं ना हर रोज तुम्हारे कमरे के सोफे से तकिया और कंबल मिलता है? तो तुम
मेरे कमरे तक जासूसी करती हो? ओ मेरी जान, इसे जासूसी करना नहीं, इसे तो कहते हैं नजर रखना। और मोहब्बत में ना हर आशिक को हक होता है कि वो अपने महबूब की हर हरकत पे नजर रख सके। वो इस तरह तो पुपी बतूर जी तुम्हारे चाहने वालों में से होंगी, है ना? ओ, वो तो तुम्हारी हर हरकत पे नजर रखती होंगी। मुद्दा तरा करो। पता है मुझे डर नहीं लगता, तुम्हारी मोहब्बत ने ना मुझे बेखौफ कर दिया। और जब प्यार किया तो फिर डरना क्या? बस बस, ओ प्यार मोहब्बत इश्क वो ये सब ड्रामे छोड़ दो तुम। वो क्या मुझे नहीं पता कि तुमने इससे पहले कितनी बार ये खेल खेला है और किस किस के साथ मोहब्बत की पिंगे आगे बढ़ाई होंगी। लेकिन सच्ची मोहब्बत तो तुमसे आई है ना, वो भी पहली बार। तुम अच्छी तरह जानते हो कि अगर मेरी मोहब्बत में खोट होती ना तो मैं तुम्हारे पीछे इतना जलील ना होती। कुछ कम खबर तो ना करते तुम मुझे? तुम्हारी मोहब्बत ने ना मुझे इस बात का एहसास ही नहीं होने दिया। ऐसा है मेरा इश्क। देखो अकबरी तुमसे सच्ची मोहब्बत करती ना तो तुम्हें जूती की नोक पे तो ना रखती, है ना? तुम्हारे और अपने दरमियान इतने फासले भी ना रखती। बात सुन, इधर आना। देख अब तुम खुद ही फैसला करो कि किसकी मोहब्बत सच्ची है, और जब फैसला हो जाए ना तो फिर कल रात को ना मुझे 1 बजे ना छत पे मिलने आना, ठीक है? ठीक है। हाय। ती कोल पलोती कली कली बोली बोती हप्पा 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 ओ माय गॉड। वीर जी आपके तवीज काम कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, हमारे तवीज काम करते ही रहते हैं, इसीलिए तो हमारी डिमांड है बीबी। मेरा काम जो है ना वो अर्ली अर्ली होना चाहिए। सुबह फजर के वक्त उठ के नीम का पानी पीना है न्यार मुंह, और रात को आधी रात को बर्फ पे 15 से 20 मिनट नंगे पांव खड़ा होना है। ओ नो नो, ओ यस यस, ये काम भी करना होगा। हाँ खुद। हाँ चलो, तुम खुद नहीं कर सकती तो अपने किसी साथी से करवा लेना। हाय, मैं अपनी डॉटर को कह देती मगर वो तो मेरे हैंड से निकल गई है। एक साथी है तो सही, वो मेरे साथ ना इस मकसद में बराबर की शरीक है, उससे कहूंगी। लेकिन साथी इत्माद का होना चाहिए। ओ जी पीर जी, इत्माद वाला ही है, उसका और मेरा मकसद अलग अलग सही, लेकिन हम एक दूसरे की हेल्प से ना वो मकसद पूरा करना चाहते हैं। बस यूं समझ लें कि मैं उनसे फायदा उठाना चाहती हूँ और वो उनको नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ। कुछ लो और कुछ दो के तरीके पे चलकर
हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो ठीक है, कल सुबह आके मुझसे तवीज ले जा। अल्लाह तू करम कर दे, मौला तू रहम कर दे। अब मुलाकात का वक्त खत्म हो गया, कल सुबह आना। एक साथी है तो सही, दमाद वाला ही है। कुछ लो और कुछ दो के तरीके पे चलकर हमें एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। पप्पू पे मुझे जो शक था वो बिल्कुल ठीक निकला। वो अपने मतलब के लिए ताया जी और असर को यूज कर रही हैं, प्रॉपर्टी और बिजनेस के इश्यूज उठा रही हैं। लेकिन वो जो पप्पू का साथ दे रही है, उनका राइट हैंड है, उसके लिए किस पे शक किया जाए? बैकी, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे भी तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। बैकी, मैं ये कहना, मेरी बात ज्यादा जरूरी है। तुमने उस दिन असगर के लिए मुझे मोहताज रहने के लिए क्यों कहा था? Just like that, तुम्हारा हस्बैंड है वो, तुम्हें उस पर नजर रखनी चाहिए। तुम्हें भी तुम्हारे हस्बैंड पर नजर रखनी चाहिए, लेकिन ये मशवरा मैंने तो कभी नहीं दिया तुम्हें। तुमने मुझे क्यों कहा? इसका मतलब तुम असगर के बारे में कुछ जानती हो, यानी तुम्हें सब कुछ पता चल गया। इसका मतलब तुम्हें असगर और शब्बू के बारे में पहले ही पता था, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सेरा, क्या बताती मैं बेकी? तुम दुल्हन बनी बैठी थी, तुम्हारी शादी वाले दिन तुम्हें आके ये बताती कि तुम्हारा दूल्हा पहले तुम्हें उस वक्त ज्यादा शौक लगता। अब जब सब कुछ जान गई हो तो ये सोचो कि क्या करना है। आ गया फिर से झूठी मोहब्बत दिखाने। दफा हो जाओ, जहर लग रहे हो। जाके अपनी उस दासी कजन के ठुमके देखो। अजीब मिजाज है इसकी, कभी तो सदके मारे जाती है, कभी दस गज के फासले पर बिठा देती है मुझे। मेरे होते हुए किसी और पे नजर? इतनी इंसल्ट, इतनी नाकदरी। ठीक ही तो कहती है शब्बू, कोई तो वजह है उन फासलों की। कैसी मोहब्बत है इसकी जो हमारे रिश्ते को रिश्ते में बदलने ही नहीं देती। हो सकता है इसकी तबीयत ठीक ना हो। अकबरी सुनो, इसकी तबीयत नहीं, नीयत ठीक नहीं है। देख लूंगी तुम्हें भी और उस पेंडू को भी, जाने से पहले अच्छा सबक सिखा के जाऊंगी। क्या है, कोई काम है? यही मैं तुमसे पूछने आई हूँ। मुझसे? हाँ तुमसे। ऐसा क्या काम है कि तुम यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही? ओ मैडम, ये मेरे नाना जी की हवेली है, मेरे मामू जी का घर है, मैं जब तक चाहूँ यहाँ रह सकती हूँ, आई समझ? तुम इसे नाना का घर और मामू की हवेली ही समझना, कुछ और मत समझना। मेरे कुछ ना समझने या समझने पे ना तो तुम्हारा कोई जोर चलता है और ना ही मेरा अपना। लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरह समझाने आता है, समझी? हाय, अगर इतना ही समझाना आता है ना तो सबसे पहले अपनी सलाहियतें अपने आप पर आजमाओ। अगर इतनी हरफन मोला हो ना तो अपने शौहर को जाके काबू में रखो, आई समझ में बात?
तो तुमने खुल के बात कर ही ली। ओ जी हम हैं ही बड़े खुले ढुल्ले लोग, खुल ढुल के बात करते। तुम लोगों की तरह नहीं, लुक छुप के नहीं बात करते, ना अपना ना दूसरों का वक्त भी नहीं जाया करते। वक्त तो तुम अपना जाया कर रही हो, उम्र भी इतनी बड़ी नहीं और शक्ल भी गुजारे लायक। कोशिश करोगी ना तो कोई अकल का अंधा मिल ही जाएगा। क्यों शादीशुदा मर्द के पीछे पड़ गई हो जिसे अपनी बीवी के अलावा कुछ नजर नहीं आता? अपनी बीवी के अलावा, हाय रब्बा, इतना बड़ा मजाक था ये। तुम्हें हंसी नहीं आ रही अपने मजाक पे? हाय रब्बा, तुम्हें हंसी तो तब आएगी ना अकबरी, जब कल रात अपने शौहर को कच्चे धागे से बंधा मेरी तरफ आता देखोगे। आई समझ में बात? डॉक्टर से हड़ हराम बेहद आता, इतने सवाल सवाल कर करके मेरा पेजा उड़ा दिया। मुझे लगता था कि मैं इलाज कराने नहीं आई, इसको इम्तिहान देने आई हूं। अबे जी साइकियाट्रिस्ट ऐसे ही इलाज करते हैं? हैं किया कि साइकी आज का पूरा दिन जाया करा दिया है आपने, अब कल जब आए ना तो सही से सवालों के जवाब दें। आओ कल आएगी मेरी जुत्ती। ए उन सवाल करे जाके अपनी बेबे को लो या ओदे खसम को लो। तुसी सारे ने मेनू ला लिया अगे, मैं नहीं आना हुण इत्थे। बस अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अभी तक शहर में ही है ना, निकले तो नहीं? हाँ शहर में ही हूँ, खैरियत? नहीं वो मुझे कुछ मंगवाना था। मुझे ख्वातीन की शॉपिंग का कोई तजर्बा नहीं है। ये ख्वातीन की शॉपिंग नहीं, मेरी शॉपिंग है। मेरा तो ख्याल था कि आपका शुमार भी ख्वातीन में ही होता है। अब तक तो नहीं हुआ, शायद कुछ सालों तक हो जाए। खैर आप ज़रा ये लिस्ट नोट कर लीजिए, ये चीज़ें प्लीज़ मुझे ला दीजिएगा। अच्छा एक सेकेंड। तुम दोनों भाई इकट्ठे बिजनेस शुरू करोगे, ऐसा ना हो के बंटवारा भी हो जाए और भाई भी अलग हो जाए। चलो नया शोशा, वो अकबर भाई ने सारी जिंदगी तो कुछ करता नहीं है और ना ही दादाजी ने मुझे मेरा हिस्सा देना है, और मैं कह रहा हूँ मुझे मेरा अपना हिस्सा चाहिए। मैं शर्म नहीं आती बाप को तड़िया लगाते हुए? तो वही सब कुछ हो रहा है जो पप्पू बतूल चाहती हैं, जिसके लिए वो तावीज़ इस्तेमाल कर रही हैं। तो क्या वाकई तावीज़ असर करते हैं? ले जाओ और कान खोल के सुन लो, आइंदा मैं तेरे हाथ का पका हुआ कुछ भी कभी नहीं खाऊंगा। बस अब्बा जी, आपने मेरी सारी उम्र की खिदमत खूह में डाल दी है। मुझे पता होता तो मैं तुमसे खिदमत करवाते ही ना। मुझे क्या पता था कि ये खिदमत तू दिल से नहीं कर रही बल्कि कुछ सिला लेने के लिए कर रही है। ले जा। ताई जी मत रोए ना, प्लीज मत रोए। हो सकता है दादाजी की तबीयत खराब हो, ये भी हो सकता है उनका बीपी लेवल हाई हो गया हो। ऐसे में छोटी छोटी बातें बहुत बुरी लग जाती है ना। मुझे ज्यादा पटिया पढ़ाने की जरूरत नहीं है, पता है मुझे हवेली में सारे मेरे खिलाफ हुए तो किसकी वजह से हुए? क्या पता है किसकी वजह से। इतनी सिद्धी नहीं हूँ मैं बीबी, पता है मुझे किसके कदम इस हवेली में पड़े हैं ना, तो पुत्र प्यो के सामने खड़ा हो गया और भाई भाई के हिस्से पे नजर रखे हुए। मुझे डर नहीं लगता, तुम्हारी मोहब्बत ने ना मुझे बेखौफ कर दिया।
गौकरी ने कभी इस तरह खुल के मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार क्यों नहीं किया? उसके अंदर हमेशा मेरे लिए एक फासला, एक क्रेज क्यों होता है? अकबरी तुमसे सच्ची मोहब्बत करती ना तो तुम्हें जूती की नोक पे तो ना ना रखती, तुम्हारे और अपने दरमियान इतने फासले भी ना रखती। सच्ची तो है, लेकिन अगर अकबरी को मुझसे मोहब्बत नहीं है तो ये सब क्या है? नहीं होने दूंगी, किसी कीमत पे नहीं होने दूंगी। सब कुछ क्यों मंगवाया तुमने? स्कूल के लिए, आपके मदरसे के लिए। हाँ, लेकिन ये कलर पेंसिल, ये नोटबुक। हाँ मुझे पता है, अभी तो और भी बहुत कुछ आना बाकी है, जैसे फर्नीचर, एक वाटर डिस्पेंसर। और तुम एक दिन के लिए वहाँ गई हो, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अब वहाँ दोबारा जाने की जरूरत नहीं है, मैं किसी और से कह दूँगा। क्यों आप मुझे वहाँ जाने से क्यों रोक रहे हैं? इसलिए कि वो जगह तुम्हारे शाया निशान नहीं है, वहाँ जाके तुम्हें ऐसी परेशानी हुई होगी। हाँ मैं परेशान तो हुई थी, लेकिन उन बच्चों के लिए, इसलिए मैं उन बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ ताकि वो अच्छे माहौल में पढ़ सके। दो दिन के लिए जाना है तुमने वहाँ, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? मैं अपने लिए नहीं कर रही है सब कुछ, उन बच्चों के लिए कर रही हूँ। मुझे इन चीज़ों की जरूरत नहीं है, उन्हें इन चीज़ों की जरूरत है। साफ पानी मुझे तो मैसर है, लेकिन उनके पास नहीं है। और खर्चे की बात आप कैसी करें? आप उन पे खर्चा सिर्फ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप उनको मुफ्त में पढ़ाते हैं। नहीं कर सकता मैं अफोर्ड, इसलिए कितने पैसे नहीं है मेरे पास। मैं अगर उनको कुछ दे सकता हूँ तो अपना इल्म, अपना जज्बा या फिर अपना वक्त। और अब्बा जी और दादाजी की कमाई में उन पे उस वक्त तक खर्च नहीं कर सकता जब तक वो खुद ना चाहें। किसी और के माल पर तो खैरात और सदका तक जायज़ नहीं है, और ये तो सिर्फ मेरा शौक है। सिर्फ शौक? नहीं, मेरा जज्बा, मेरी लगन, मेरा मकसद है हयात। तो अपने मकसद को पूरा करने के लिए कुछ करते क्यों नहीं हैं आप? अगर आपको दादा से या दाया जी से पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता तो खुद कमाना शुरू करें, अपनी इनकम में से स्पेंड करें। मेरी इनकम? हाँ, आपकी इनकम। काम ना करना, दुनियादारी छोड़ देना, ये सब कुछ तो हिंदुओं, बुद्धिस्ट और सन्यासियों की फिलॉसफी है। जहाँ तक मैं इस्लाम को जानती हूँ, वहाँ काम करने में और पैसा कमाने में कोई पाबंदी नहीं है। आप तो इन बच्चों की खुशी मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। आप नहीं चाहेंगे कि ये हमेशा इसी तरह खुश रहें? अच्छा, पसंद आई तुम लोगों को पेंसिल्स? हाँ हैं, बहुत ज़्यादा। हे हे हे
कैसी बातें कर रहे हो अकबर चौधरी, अब भूल गए तुमने अपनी जिंदगी दीन के लिए वक्फ कर रखी है, फिर अब तुम पैसा कमाने की दौड़ में शामिल क्यों होना चाहते हो? नहीं पीरो मुर्शिद, मैं किसी दौड़ में शामिल नहीं होना चाहता। आए आए, एक परेश शख्स के खर्चात होते ही कितने, दो वक्त का खाना, दो वक्त की रोटी, सर छुपाने के लिए छत, वो तुम्हें मिल रही है, और क्या चाहिए? याद रखो अकबर चौधरी, ज्यादा से ज्यादा की ख्वाहिश को हवस में बदलते देर नहीं लगती। लेकिन पीरो मुर्शिद, असगरी मेरा मतलब है, मेरी बीवी तो कहती है कि है? वो जो कहती है सुनने की जरूरत ही क्या है? और तुमने उसके ख्यालात बदलने के लिए शादी की है, अपने ख्यालात बदलने के लिए नहीं। लेकिन मैं उसके कौन से ख्यालात बदलूं? जितना मैं उसको जान पाया हूँ अभी तक मुझे तो उसमें ऐसी कोई बात नजर नहीं आई कि मैं उसको बदलूं। ओ, अकबर चौधरी, लगता है तुम्हारे अपने ख्यालात जो उसके बारे में थे वो बदल रहे हैं। याद रख नादान, तू नहीं जानता औरत के चेहरे पे कितने नकाब होते हैं। बच के रह अकबर चौधरी इस औरत से, वो तुझे सिराते मुस्तकीम के रास्ते से हटाना चाहती है। जो आपका हुक्म पीरो मुर्शिद, मैं चलता हूँ। आज बेजी को वैसे भी डॉक्टर के पास लेके जाना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जितना ख्याल तुम अपने हाथों का रखती हो उतना ख्याल तुमने कभी किसी का रखा? हाथ कम से कम अपने तो हैं, चाहे मैं इनका ख्याल रखूं या ना रखूं, लेकिन किसी और का ख्याल रखने का क्या फायदा जो कभी अपना हो ही नहीं सकता। ये तो अपना बनाने वाले पे है कि अगर वो चाहे तो एक पल में सदियों का फासला मिटा दे। आप बताएं आज आपका क्या मूड है? आज रात तो किसी से मिलने नहीं जाना। रात को नहीं, नहीं तो। अच्छा, मैंने सोचा शायद आज भी। फर्ज करो कि अगर आज रात मुझे अपनी किसी पुरानी गर्लफ्रेंड से मिलने का इरादा हो तो तुम कुछ नहीं करोगी? तुम्हें कुछ नहीं लगेगा? मैं क्या करूंगी, मुझे क्या लगेगा और मुझ पे कितना फर्क पड़ेगा? ये सवाल आपको मुझसे नहीं अपने आप से करना चाहिए, क्योंकि मिलने मैं नहीं आप जा रहे हैं। आपको क्या लगेगा, आप पे क्या फर्क पड़ेगा और आप क्या करेंगे, ये सवाल आप अपने आप से करें। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक या फिर 10 गर्लफ्रेंड से मिल लीजिए। देखा आपने बच्चों की आंखों में कितनी चमक थी, उनके चेहरों पे कितनी खुशी थी। बच्चों को रंग बहुत अट्रैक्ट करते हैं और बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करना बहुत जरूरी होता है, तभी तो वो सीख पाएंगे। खैर, अब देखिएगा, मैं और आप हम दोनों मिलके इस स्कूल की शक्ल ही बदल डालेंगे।
मैंने सोचा है कि ये कारोबार, ये जमीन, ये सारी चीजें, ये संभालना मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ वो काफी है। मैं से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, आपकी मर्जी। अगर आपको लगता है कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो काफी है तो आप गलत हैं, क्योंकि ये काफी नहीं है। लेकिन अब मैं आपसे कोई भी उम्मीद नहीं रखूंगी, ना ही स्कूल के लिए और ना ही बच्चों के लिए। मुझे अब जो भी करना है मैं अपने बलबूते पे करूंगी। तुम करोगे? हाँ, मुझे उन बच्चों से मिलने के बाद एक अजीब सा एहसास हुआ है। वो खुशी मिली है जिसका मुझे जिंदगी में पता ही नहीं था, और ये खुशी मैं जिंदगी भर के लिए अपनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये स्कूल सिर्फ इस गांव तक नहीं, हर उस गांव तक पहुंचे जहां इसकी जरूरत है। क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, कुछ नहीं, बेजी के बारे में सोच रहा था। हाँ, क्या कहा डॉक्टर ने, चेकअप हो गया उनका आज का? हाँ, वो कह रहा था माशाल्लाह ठीक है, उस तरह तन्हाई का शिकार है। हालांकि इस हवेली में भला तन्हाई का क्या कहा, तन्हा आदमी तो भरे मजमे में भी तन्हा होता है। डॉक्टर कह रहा था कि बेजी को खुश रखने की जरूरत है, हालांकि मैंने तो बेजी को सारी जिंदगी खुश रखने की कोशिश की है। ले, मैंने अब दोबारा वहां क्या करना है जाके? जी, आपका दिल चाह रहा है, और वैसे भी मैं तो फारिग हूँ। जैसे उस दिन आपके साथ गई थी, कल भी चली जाऊंगी। देख, वो तो मौका था ना ऐसा, मैं अफसोस करने गई थी परवीन का चौधरी मंजूर के पास ना, तो अब रोज रोज तो नहीं ना अच्छा लगता। मौका तो अब भी है। मेरा मतलब है कि चौधरी अंकल को कल जितना दुख था आज भी उतना ही होगा ना, उनको हमदर्दी की जरूरत है। ले, उसको हमदर्दी की जरूरत है तो जाए ना अपने होतो सोतो के पास, मैं ही रह गई हूँ उसको हमदर्दी करने के लिए। पर बेटी, इसमें हर्ज ही क्या है? है हर्ज, मेरा रोज रोज वहां जाना ठीक नहीं है। बेटी, वो अब भी आपके शौहर है, और वो हवेली आपकी अपनी है। तू समझती है कि तू बाहर के मुल्क में जाके चार किताबें पढ़ के तुझे बहुत ही अकल आ गई है, हैं? मेरे साथ इस किस्म की बातें ना कर, ना वो मेरा घर वाला है, ना वो घर मेरा है। नहीं, जिथे मेरा डोला नहीं जा सका, मैं वहां थूकने के लिए जाऊं? आप उनके आंसू साफ करने पहले भी तो उनके पास गई थी ना। बेकी, मुझे सब कुछ पता चल गया। क्या पता चल गया? यही कि बतूल फूफो किसकी मदद से इस घर में ये सारा फसाद फैला रही है। तुम्हें पता चल गया? हाँ, सोचा तो मैंने ये था कि जिस दिन मैं असलियत के बारे में जान जाऊंगी ना, उस दिन सारे घर के सामने असलियत खोलूंगी, इतना जलील करूंगी कि जरूर कोई ना कोई मजबूरी होगी ना। शुक्र सहरा, तुम्हें एहसास तो हुआ कि ये सिर्फ मजबूरी थी, इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। तभी तो सिर्फ तुम्हें बता रही हूं, मैंने और किसी के सामने बेची का नाम नहीं लिया। बेची? हाँ, हम लोगों को उनको एहसास ही नहीं है।
वो किस तकलीफ से गुजर रही है हम महसूस ही नहीं कर सकते। हम सब लोग अपनी अपनी जिंदगी में इतने मसरूफ हैं कि अपनी रूटीन, अपनी अपनी खुशी, अपना दुख, हमें हमें बेटी की फिक्र ही नहीं है। तभी तो वो ऐसी हो गई है। कैसी हो गई है? जैसी वो हैं, लड़ना, चिड़चिड़ा रहना, अपना घर नहीं बसा पाई ना कभी। इसीलिए तो तुम्हारे और ताई जी की मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करती है। उनकी जहनी हालत ठीक नहीं है, उनको इस वक्त सजा से ज्यादा इलाज की जरूरत है। अगर हम उनको उनके घर यानी चौधरी मंजूर के घर वापस भेज दें। तुम पागल हो गई हो सहरा, क्या बोल रही हो? मैं पागल नहीं हुई हूं, लेकिन अगर यही सब कुछ होता रहा ना तो बेजी बहुत जल्दी पागल हो जाएंगी। फॉर गॉड सेक सारा, ये बात तुम किसी और से मत कहना प्लीज। क्यों नहीं कहूं? सबसे कहूंगी मैं, तुम जैसी नहीं हूं जो बातें छुपाकर सिर्फ अपने दिल तक रखे। और आई एम श्योर तुमने तो असगर से अब तक शब्बों की बात भी क्लियर नहीं की होगी, है ना? हाँ, नहीं की और करूंगी भी नहीं। तुम्हें पता है तुम कितना गलत कर रही हो, कितना बड़ा जुल्म कर रही हो अपने साथ ये ना कर कर। मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका अफेयर किसके साथ चल रहा है, किसके साथ नहीं चल रहा। ट्रस्ट मी, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हें असगर से कितनी मोहब्बत है बेकी। मुझे और असगर से मोहब्बत। तुमने तो मेरे साथ साथ खुद से भी झूठ बोलना शुरू कर दिया। जिस दिन मैंने तुम्हें शब्बू और असगर के बारे में बताया था, तुम्हारे फेस पे जो एक्सप्रेशंस आए थे, तुम्हारी आंखों में जो आंसू आए थे, तुम्हें जो तकलीफ हुई थी, साफ जाहिर कर रही थी दैट यू मैडली इन लव विद असगर। तुम्हें उससे बहुत मोहब्बत है बेकी। असगर पुत्र फिर मुंह लटका के बैठा हुआ, पहले जिद करता है फिर बात मनवाने के लिए नाराज हो जाता। तेरे बचपन से यही आदत है। अम्मी, एक बात पूछूं? अब तूने ये पूछना है ना कि जमीन में इसे की फरमाइश में मैं तेरा साथ क्यों नहीं दे रही है ना? नहीं। तो फिर अम्मा, मैंने पूछना था कि अगर अब्बा जी आपसे कहें दूसरी शादी तो कर लो गल। अम्मा सही से बताया ना, वो अगर अब्बा जी आपसे कहें कि वो दूसरी शादी करना चाहते हैं तो आप रोएंगी, लड़ेंगी, खूब शोर मचाएंगे, है ना? ना, परवाह भी नहीं करनी मैंने। क्यों, आपको इस बात से फर्क ना पड़ता? पड़ता, जरूर पड़ता। जे तेरे अब्बा जी ऐसा करने की कोशिश भी करते, अगर वो मुझे खुद भी कहे ना अपनी जुबान से, तो भी मैंने यकीन नहीं करना। इतना एतबार है मुझे तेरे अब्बे पे। चल चल मेरे पुत्र, मुंह ठीक कर ले तू, है?